ने जेवलिन थ्रो में सिल्वर मेडल जीत लिया है। भारत के गोल्डन बॉय दो ओलंपिक मेडल जीतने वाले तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं। रात करीब 1 बजे खत्म हुए जेवलिन थ्रो के फाइनल में नीरज चोपड़ा दूसरे स्थान पर रहे। नीरज चोपड़ा ने 89.45 मीटर दूर जेवलिन यानी भाला फेंक कर यह नया रिकॉर्ड अपने नाम किया। आपको बता दें पाकिस्तान के अरशद नदीम ने 92.97 मीटर थ्रो करके गोल्ड जीता है। नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड जीता था और इस बार सिल्वर से संतोष करना पड़ा उन्हें। नीरज चोपड़ा का सिल्वर मेडल भारत का इस ओलंपिक में पहला सिल्वर है। अभी तक भारत ने 4 कांस्य जीते थे। नीरज चोपड़ा के सिल्वर मेडल के साथ भारत के मेडल की संख्या 5 हो गई है। नीरज चोपड़ा की कामयाबी पर पूरे देश में जश्न का माहौल है। नीरज के गांव पानीपत के खंडरा में दीपावली का माहौल था, पटाखे फोड़े जा रहे हैं। तो ये अच्छी खबर आई जब नीरज चोपड़ा ने भारत को पहला सिल्वर इस ओलंपिक का दिलवा दिया है और पूरे गांव में जश्न का माहौल है। और आपको बता दें कि 2 ओलंपिक में मेडल जीतने वाले तीसरे भारतीय बने हैं। 12 साल की उम्र थी जब भाला पकड़ा था पहली बार नीरज चोपड़ा ने और उसके बाद यह सिलसिला लगातार चलता रहा। और जिस तरीके से पिछले ओलंपिक में गोल्ड जीता था उम्मीदें काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन निराशा इस बार भी नहीं, सिल्वर से संतोष जरूर करना पड़ा। लेकिन भारत के नज़रिए से अगर आप देखें तो ये सिल्वर जो है पहला सिल्वर इस ओलंपिक में। जो कोई नहीं कर सका वो नीरज चोपड़ा ने किया। टोक्यो में गोल्ड मेडल, पेरिस में सिल्वर। टोक्यो ओलंपिक में पहला गोल्ड, पेरिस ओलंपिक में पहला सिल्वर देश को नीरज चोपड़ा ने दिलाया। पूरा देश अपने इस बेटे की कामयाबी पर खुशी से झूम रहा है, जश्न मना रहा है। नीरज चोपड़ा के गांव में बड़ी टीवी स्क्रीन लगाई गई थी। पूरा गांव इस बड़ी कामयाबी को देखने के लिए जमा था। नीरज चोपड़ा के सिल्वर जीतते ही गांव में पटाखे फूटने लगे, मिठाइयां बांटी जाने लगी। गांव के बेटे ने देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर दिया। लड्डू बांटकर जो है एक खुशी का इजहार किया जा रहा है कि कैसे यहाँ पर आज गोल्ड की तरफ जो है इसने आगे बढ़ना था, लेकिन चलो गोल्ड नहीं तो सिल्वर से ही इन्होंने जो अपने जो है खुशी मनाई है। नीरज चोपड़ा ने आज जो पोडियम फिनिश किया वो सिल्वर मेडल से फिनिश किया है। नीरज चोपड़ा से देश ने गोल्ड की उम्मीद लगाई थी, लेकिन कहते हैं ना कि सब दिन एक समान नहीं होते, हर खिलाड़ी का दिन होता है। पेरिस ओलंपिक के इस जेवलिन मुकाबले में पाकिस्तान का दिन था। पाकिस्तान के अरशद नदीम ने गोल्ड पर अपने भाले से निशाना साधा, लेकिन नीरज चोपड़ा ने जो इतिहास रचा भारत उस पर गर्व से फूले नहीं समा रहा। नीरज ने देश को पहला सिल्वर दिलाया। हरियाणा के पानीपत में इस समय दिवाली मनाई जा रही है। नीरज चोपड़ा के भव्य स्वागत की तैयारियां की जा रही हैं। नीरज चोपड़ा के चाचा भीम चोपड़ा भतीजे की कामयाबी पर खुशी से झूम रहे हैं। न्यूज नेशन के कैमरे पर भीम चोपड़ा की खुशी छिपाई नहीं छिप रही थी। चाहेंगे सिल्वर मेडल आया, गोल्ड मेडल नहीं आया। कोई बात नहीं, मेडल आया देश खातिर। सारे देशवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद। पेरिस ओलंपिक में इस बार नीरज चोपड़ा ने अपना पिछला रिकॉर्ड भी तोड़ा, लेकिन गोल्ड से वो दूर रह गए। नीरज चोपड़ा ने 89.45 मीटर दूर भाला फेंकते हुए सिल्वर मेडल अपने नाम किया। नीरज का ये इस सीजन का बेस्ट थ्रो है। नीरज चोपड़ा को गोल्ड न जीत पाने का मलाल जरूर होगा। नीरज चोपड़ा भी शायद अपने प्रदर्शन से खुश नहीं होंगे। नीरज चोपड़ा ने एक बार ही सही थ्रो किया, उसमें भी इतना दूर जाकर भाला गिरा कि पाकिस्तान के नदीम को छोड़कर कोई भी वहां तक नहीं पहुंच सका। फाइनल में हर खिलाड़ी को जेवलिन यानी भाला फेंकने के लिए 6 राउंड मिलते हैं। नीरज चोपड़ा का पहला राउंड बेकार गया, लाइन को टच करने की वजह से फाउल करार दे दिया गया। दूसरे प्रयास में नीरज का भाला 89.45 मीटर दूर जाकर गिरा। इसके बाद नीरज एक भी थ्रो सही नहीं फेंक पाए। बाकी बचे सभी 4 प्रयासों में वो फाउल करार दे दिए गए। कोई नहीं है, खिलाड़ी का दिन होता है, उसने अपना पर्सनल बेस्ट दिया यहाँ पे और 89.45 मीटर की थ्रो करी है, उसने अपनी पूरी ट्राई करी है।
कोई बात नहीं, आज उसका दिन कम था और पाकिस्तान वाले खिलाड़ी ने बहुत ही बढ़िया थ्रो फाउल हुआ, फाउल की वजह से कुछ पहले क्वालिफाई कर दिया था फाइनल के लिए, लेकिन फाउल ज्यादा हुए आज तो पहली थ्रो से ही उसका रिदम खराब हो गया था, अब नहीं तो बहुत बढ़िया परफॉर्म करने वाला।